Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So now again we will start our new chapter of our science book by Brain Root series. The name of our book is Science Spark Class 1. और हम अपना नया chapter start करेंगे. हमारे chapter का नाम है Our Need और chapter number 7 है ये. आर नीड का मतलब है हमारी ज़रूरतें. क्या क्या है हमारी ज़रूरतें, चलिए इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं उन सब के बारे में. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट फूड, क्लीन एंड सेफ वाटर, क्लॉथ और हाउसेस. हमें जीने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान. तो चलिए पढ़ते हैं हमें क्यों चाहिए ये सब चीज़ें. तो सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, सर्कल द थिंग्स विच यू कैन ड्रिंक. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की पिक्चर बनी हुई हैं, आपको उन पिक्चर्स को या उन चीज़ों को सर्कल करना है जिन्हें हम पीते हैं, ड्रिंक करते हैं. सबसे पहली पिक्चर है मिल्क की. हम मिल्क को क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं. यस, तो हम इसे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे. नेक्स्ट, आइसक्रीम, केक, जूस एंड पोटैटो. तो इनमें से आप जिन चीज़ों को ड्रिंक करते हैं उन पे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे. फूड, वाटर, क्लॉथ्स एंड हाउसेस आर आर बेसिक नीड. खाना, पानी, कपड़ा और मकान, ये क्या है, हमारी बेसिक नीड्स हैं जो हमें जीने के लिए चाहिए ही चाहिए. हम पानी के बिना नहीं जी सकते, खाने के बिना नहीं जी सकते. कण ढकने के लिए मतलब शरीर को ढकने के लिए हमें क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, और रहने के लिए घर चाहिए. सो नाउ वी विल लर्न अबाउट फूड. फूड मतलब खाना, हमें जीने के लिए खाना चाहिए. अगर आपको दो टाइम खाना ना मिले, अगर आपकी मम्मा आपको ब्रेकफास्ट और लंच ना दे, तो क्या होगा, आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे हमारे शरीर में जान नहीं है. फूड इज़ वन और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आर लाइफ. हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, खाना. वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, हम खाने के बिना जीवित नहीं रह सकते. वी ऑल नीड फूड टू ग्रो एंड टू बी हेल्दी. हम सबको जीने के लिए, बढ़ने के लिए और तंदुरुस्त रहने के लिए खाने की आवश्यकता पड़ती है. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. किसी काम को करने के लिए, खेलने के लिए हमें ताकत मिलती है. किससे, फूड से. वी गेट दिस फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. और हमें फूड किससे मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स से. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उस फूड के बारे में जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट्स से. पेड़ों से हमें बहुत सारे खाना मिलता है, चलिए पढ़ते हैं. वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट. हमें फल और सब्जियाँ मिलती हैं किससे, पेड़ पौधों से. दे हेल्प अस टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. फ्रूट और वेजिटेबल खाकर हम क्या हो जाते हैं, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग. वी मस्ट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डेली. हमें रोज फल और सब्जियाँ खानी ही चाहिए. बच्चों, आप सबको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए. मुझे पता है बहुत से बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स. तो आप सबको वेजिटेबल ज़रूर खानी चाहिए. और क्या खाना चाहिए डेली, कोई भी एक फ्रूट. वी ऑल्सो गेट फूड ग्रेन फ्रॉम प्लांट्स लाइक वीट, राइस एंड मेज. हमें पेड़ पौधों से क्या मिलता है, गेहूं, चावल और मक्का. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड फॉर बेबीज. वी शुड ऑल्सो ड्रिंक एटलीस्ट 2 glasses ऑफ मिल्क डेली. इट कीप आर टीथ एंड बोन्स हेल्दी. आप छोटा बच्चा क्या खाता है, छोटा बच्चा दूध पीता है. तो छोटे बच्चे के लिए दूध क्या है, कंप्लीट फूड है उसके लिए. उसका पेट दूध से ही भर जाता है. हमें भी दिन में कम से कम 2 glasses मिल्क पीने चाहिए, 2 glasses मिल्क. और मिल्क से क्या होता है, हमारे टीथ
और बोन्स मतलब दांत और हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, अब हम पढ़ेंगे उस भोजन के बारे में जो हमें किससे मिलते हैं, एनिमल्स से। वी गेट मिल्क एग्स एंड फ्लैश फ्रॉम एनिमल, हमें जानवरों से दूध अंडे और मांस मिलता है। वी मेक बटर आइसक्रीम चीज एक्सेट्रा फ्रॉम मिल्क, दूध से हम क्या बनाते हैं, मक्खन पनीर और आइसक्रीम बनाते हैं। आइसक्रीम का नाम सुन के सबके मुंह में पानी आ गया, मुझे तो आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन हमें आइसक्रीम कब खानी चाहिए, समर में, विंटर्स में नहीं खानी चाहिए। देखिए एग फिश चीज़ ये हमें किन से मिलता है, एग और फिश हमें मिलता है एनिमल से, और चीज़ किससे बनता है, मिल्क से। क्लीन एंड सेफ वाटर, साफ और सुरक्षित पानी, जब हमें प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, आजकल सब आरओ का या एक्वा का पानी पीते हैं, क्यों, क्योंकि वो पानी क्या है, क्लीन और सेफ है हमारे लिए। वी नीड क्लीन एंड सेफ वाटर टू ड्रिंक, हमें पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी चाहिए। इफ़ वी ड्रिंक वाटर विच इज़ डर्टी वी फॉल इल, अगर हम गंदा पानी पी लेंगे तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, कम से कम दिन में हमें 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए, 6 से 8 गिलास पानी पीना ही चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ वी विल लर्न अबाउट क्लॉथ्स, अब हम पढ़ेंगे कपड़े के बारे में, हमें कपड़े क्यों चाहिए, हमारे शरीर को ढकने के लिए, कपड़े हमें सुंदर बनाते हैं, बच्चों हमें हमेशा साफ और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। वी नीड क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी, हमें कपड़े चाहिए अपना शरीर कवर करने के लिए मतलब ढकने के लिए। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट कोल्ड रेन डस्ट एंड इंसेक्ट, कपड़े क्या करते हैं, हमारे शरीर को बचाते हैं किससे, सर्दी गर्मी बारिश धूल मिट्टी और कीड़ों से। वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, हम साल में एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं, नहीं, हम टाइम टू टाइम डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। दीज कीप अस कूल, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, क्यों पहनते हैं हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े, क्योंकि वो हमें ठंडा महसूस कराते हैं, और हमें कॉटन कहाँ से मिलती है, कॉटन प्लांट से मिलती है। वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि उससे हमारे बॉडी को गर्माही मिलती है। दीज कीप अस वॉर्म, वूलन क्लॉथ आर मेड ऑफ वूल, वूलन क्लॉथ किससे बनते हैं, वूल मतलब ऊन से बनते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, शीप से हमें क्या मिलती है, वूल, भेड़ से, भेड़ के जो बाल होते हैं उनसे ऊन मिलती है। वेन इट रेन वी यूज रेन कोट गम बूट्स एंड अम्ब्रेला, जब बारिश होती है आप क्या यूज़ करते हैं, रेन कोट अम्ब्रेला और गम बूट्स। दे कीप अस सेफ फ्रॉम गेटिंग वेट, रेन कोट अम्ब्रेला और गम बूट हमें भीगने से बचाते हैं। वी ऑल्सो कैरी एन अम्ब्रेला, दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक और रबर, हम छाता जो यूज़ करते हैं वो किससे बनता है, प्लास्टिक या फिर रबर से। वी गेट रबर फ्रॉम रबर प्लांट, रबर हमें रबर प्लांट से मिलती है। देखिए सर्दियों में वूलन क्लॉथ्स पहने हैं, गर्मियों में कॉटन के, और रेनी सीजन में क्या यूज़ किया है, रेनकोट और अम्ब्रेला। वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ, देखिए मैंने अभी बताया था ना आपको, हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। डर्टी क्लॉथ्स कैन मेक अस फॉल सिक, गंदे कपड़ों से हम क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे। अगर आप गंदे कपड़े पहनेंगे आपके में से स्मेल आएगी, बदबू आएगी, और कोई भी आपके पास आना या बैठना पसंद नहीं करेगा। नाउ टेस्ट योर स्किल, फिल इन दी ब्लैंक्स, तो चलिए एक बार फिर से आपका एक टेस्ट लेते हैं, कैसे लेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स से लेंगे।
वी आर वूलन क्लॉथ्स इन, हम वूलन क्लॉथ्स कब पहनते हैं? इन विंटर्स, winters, सर्दियों में पहनते हैं। वी वीयर कॉटन क्लॉथ्स इन, हम कॉटन के कपड़े कब पहनते हैं? समर में, summer, समर में। वी वीयर रेन कोट्स इन, रेन कोट हम कब पहनते हैं? इन रेनी सीजन, rain, रेनी सीजन, season, सीजन। Now we will learn about houses. अब हम घर के बारे में पढ़ेंगे, हमें घर क्यों चाहिए। We need a house to live in, हमें घर चाहिए उसमें रहने के लिए। A house has door and window to let in fresh air and sunlight, घरों में क्या होती हैं? दरवाजे और खिड़कियाँ, जिससे क्या होता है? सूरज की रोशनी और साफ सुरक्षित बढ़िया हवा आती है घर के अंदर। अगर आप कोई भी घर की विंडो डोर ओपन नहीं करेंगे, अंधेरा रहेगा घर में और ताजी हवा भी नहीं आएगी। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग विंड, घर हमें सुरक्षित रखता है किससे? सर्दी, गर्मी, बारिश और स्ट्रॉन्ग विंड मतलब आंधी तूफान से। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्ट्रे एनिमल एंड थीव्स, वो हमें जानवरों से और चोरों से बचाता है। कौन? घर में। अगर आप अपने घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। अ हाउस हैज़ डिफरेंट रूम, ईच रूम हैज़ अ डिफरेंट यूज़, घर में अलग अलग कमरे होते हैं, हर एक कमरे का क्या होता है? अलग यूज़ होता है। आप सोते कहाँ हैं? बेडरूम में। मम्मा खाना कहाँ बनाती है? किचन में। जब आपके घर कोई गेस्ट आता है आप उसे कहाँ बिठाते हैं? ड्राइंग रूम में। तो देखा, घर का हर एक अलग अलग कमरा अलग अलग काम करता है। वी ईट आर मील्स इन द डाइनिंग रूम, हम खाना कहाँ खाते हैं? डाइनिंग रूम में। वी टेक अ बाथ इन द बाथरूम, हम नहाते कहाँ हैं? बाथरूम में। वी मीट आर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में हम अपने मेहमानों से मिलते हैं। वी स्लीप इन द बेडरूम, जब नींद आती है आप कहाँ सोते हैं? बेडरूम में। वी कुक आर फूड इन द किचन, किचन में क्या करते हैं? हम खाना बनाते हैं। वी शुड कीप आर हाउस नीट एंड क्लीन, हमें अपने घर को कैसा रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड मेक इट अ कम्फर्टेबल हैप्पी होम, हमें अपने घर को आरामदायक और खुशहाल घर रखना चाहिए। घर में हमेशा खुश रहना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर घर का माहौल अच्छा होगा तो आप क्या रहेंगे? खुश रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। नाउ टाइम टू गो इन फ्लैशबैक, चलिए जल्दी से फ्लैशबैक में चलते हैं। वी ऑल नीड फूड, क्लॉथ्स एंड अ हाउस टू लिव, हम सबको जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। गुड फूड मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, अच्छा खाना हमें क्या बनाता है? हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्लॉथ एंड शेल्टर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड, कपड़े और घर हमें सुरक्षित रखते हैं किससे? आंधी, तूफान, बारिश, सर्दी और गर्मी से। नाउ टाइम टू डू एक्सरसाइज, चलिए जल्दी से एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे टिक का निशान लगाइए। फूड मेक अस, फूड हमें कैसा बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, टायर्ड एंड स्लीपी, लेजी एंड इनएक्टिव, वीक एंड लेदरिक, फूड हमें बनाते हैं स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। द वाटर डेट वी ड्रिंक शुड बी, जो पानी हम पी रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? क्लीन, हॉट, सेफ एंड कलरफुल, द वाटर शुड बी क्लीन, साफ होना चाहिए। रेन कोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, रेन कोट हमें सुरक्षित रखते हैं किससे? हीट, डस्ट, सन या रेन से? रेन से मतलब बारिश से बचाते हैं हमें रेन कोट। नंबर फोर, अ रूम इन अ हाउस वेयर वी मीट आर गेस्ट इज कॉल्ड, घर का वो कमरा जहां हम अपने मेहमानों से मिलते हैं।
किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ड्राइंग रूम. नाउ एक्सरसाइज बी, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. देखिए दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सही आंसर को चूज करना है, पहचानना है और ब्लैंक को फिल करना है. नंबर वन, वी नीड अ डैश टू लिव. हमें जीने के लिए चाहिए हाउस या बस. वी नीड हाउस. द करेक्ट आंसर इज हाउस, HOUSE, हाउस. फूड हेल्प अस टू, फूड हमारी मदद करते हैं. रीड या ग्रो, किस में मदद करते हैं. ग्रो, बढ़ने के लिए, GROW, ग्रो. वी शुड ऑलवेज डैश फ्रूट बिफोर ईटिंग. हमें खाने से पहले फ्रूट्स को क्या करना चाहिए, कुक या वॉश. हमें फ्रूट्स को वॉश करना चाहिए, WASH, वॉश. नाउ एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग. अब कुछ चीज़ें दी हुई हैं, हमें उन्हें सही आंसर से मैच करना है. तो सबसे पहले है स्लीपिंग, मतलब सोना. समर, बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम कहाँ सोते हैं. स्लीपिंग को हम मैच करेंगे बेडरूम से. नेक्स्ट, बाथिंग, नहाते हैं. कहाँ नहाते हैं. हम नहाते हैं बाथरूम में, BATH, बाथ, ROOM, रूम. सिटिंग, बैठते हैं. जब कोई मेहमान आता है आप कहाँ बैठते हैं. बैठते हैं हम ड्राइंग रूम में, DRAWING, ड्राइंग, ROOM, रूम. कॉटन क्लॉथ, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, समर. तो इसका मतलब है कॉटन क्लॉथ हम पहनते हैं समर में. नेक्स्ट एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आप कुछ क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देने हैं. व्हाई डू वी नीड फूड, हमें फूड क्यों चाहिए. वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, हमें जीने और बढ़ने के लिए खाना चाहिए. व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ डू वी वियर इन विंटर, विंटर में आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं. वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, ऊनी कपड़े पहनते हैं. Why do we need a house? हमें हाउस क्यों चाहिए. Next, what do we do in our drawing room? ड्राइंग रूम में हम क्या करते हैं. So my dear student, once again you will read your chapter very carefully and you have to give answer of the following questions. In this chapter we have learnt about our basic needs. इस chapter में हमने अपनी basic ज़रूरतों के बारे में पढ़ा, जो हमें जीने के लिए चाहिए ही चाहिए. खाना भी चाहिए, कपड़ा, पानी, मकान, ये सब हमारी बेसिक नीड्स हैं. आई होप इन दिस वीडियो यू हैव लर्न सो मैनी थिंग. स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.